नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल सिविल नोटबुक पे। दोस्तों, हम लोग सीख रहे थे किस तरीके से हम लोग लिब्रा कैड में किसी बिल्डिंग की सेक्शनल एलिवेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक देखिए हम लोगों ने इतना सा पोर्शन ड्रॉ किया है। तो पिछले वीडियो में देखिए हम लोगों ने हैच ऐड किया है, वॉल्स पे हैच ऐड किया है, यहाँ पर जो कॉन्क्रीट स्लैब है, बीम है, चाजा है, यहाँ पर भी हम लोगों ने हैचिंग किया है, ओके। और यहाँ पर स्टेयर की पोर्शन पे भी हम लोगों ने हैचिंग डाला था। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एनोटेशन डालेंगे। तो एनोटेशन डालने के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा अलाइन, लीनियर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेडियल, डायमेट्रिक, एंगुलर, लीडर, ओके, इतना सा ऑप्शन है आपके पास। और दोस्तों, टूल्स पे जाके यहाँ पर है डायमेंशन, यहाँ पर भी आप लोगों को सेम ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, एनोटेशन ऐड करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे। लेयर की नेम मैं दे देता हूँ डायमेंशन। अब दोस्तों, यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन और ओके कर दूंगा। अब दोस्तों, मैं डायमेंशन लेयर पे हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं डायमेंशन ऐड करूंगा। अब दोस्तों, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पर देखिए मैं हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों, मान लीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर स्नैप लेके क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया है। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए तो फिर से यहाँ पे जाइए, वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले और इन दोनों पॉइंट के बीच में देखिए मैं वर्टिकल डिस्टेंस ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस आ गया है। अब दोस्तों, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर देखिए अलाइन ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर स्नैप लेके क्लिक करूँगा। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर स्नैप लेके क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए आपके पास आ गया है अलाइन डिस्टेंस, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर और भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि है देखिए यहाँ पर रेडियल है, अगर आपको रेडियस चाहिए तो यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपको डायमीटर चाहिए तो इसको आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको एंगल निकालना है तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, और अंत में है दोस्तों लीडर, अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप इस लीडर को यूज कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग डायमेंशन ऐड कर रहे हैं ये दिखने में उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग दिखने में किस तरीके से हम लोग बेटर बना सकते हैं यही हम लोग सीखेंगे। तो पहले मैं इनको डिलीट कर दूंगा। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब है, ये है दोस्तों मामटी रूम की स्लैब। तो यहाँ पर मुझको एनोटेशन ऐड करना है तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और लीडर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों, इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों, मैं रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों, मैं एंटर करूँगा, ओके। तो देखिए आपके पास लीडर आ गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पर देखिए मैं एम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए फ्रंट मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ सिंप्लेक्स, हाइट मैं रखा हूँ 9, आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ मिडिल लेफ्ट। और दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास है देखिए टेक्स्ट 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब, मैं ओके कर देता हूँ। और दोस्तों देखिए, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो देखिए आपके पास आ गया है 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब की एनोटेशन, ओके, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब दोस्तों, इस तरीके से मैं बाकी का एनोटेशन भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर थिक वॉल और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर थिक वॉल है। तो इसके लिए देखिए मैं फिर से यहाँ से लीडर को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। पहले मैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को ऑफ कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करूँगा और दोस्तों यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों, फिर से मैं रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा, ओके। अब दोस्तों, यहाँ पर मुझको ऐड करना है टेक्स्ट तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 20 सेंटीमीटर थिक
वॉल, ओके कर दूंगा और इसको देखिए मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। ओके तो यहाँ पर आपका शो हो रहा है 20 सेंटीमीटर थिक वॉल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो वॉल है ये है दोस्तों 10 सेंटीमीटर थिक वॉल। तो सेम तरीके से हम लोग एनोटेशन ऐड करेंगे, तो राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लीडर को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब दोस्तों फिर से रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। ओके अब दोस्तों टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर थिक वॉल, ओके कर दूंगा और टेक्स्ट को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ से वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, यह है दोस्तों पैरापेट वॉल, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है दोस्तों पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल की हाइट मैं चेक कर लेता हूँ, यह है दोस्तों 80 सेंटीमीटर। ओके अब फिर से देखिए मैं यहाँ से लीडर ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूंगा, रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, फिर दोस्तों यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ओके अब दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं ले लूंगा 80 सेंटीमीटर, ओके कर दूंगा और यहाँ पे मैं रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल को ऑफ कर देता हूँ और 80 सेंटीमीटर को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ओके अब दोस्तों फिर से मैं राइट क्लिक करूंगा और लीडर को सिलेक्ट कर लूंगा, अब दोस्तों देखिए इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए दोस्तों है रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, फिर दोस्तों यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस कर लूंगा। ओके तो देखिए माउंटी रूम की जो हाइट है ये कितना मैं पहले चेक कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए ये है 240 सेंटीमीटर की मतलब 2.4 मीटर। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, तो फिर से मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये है दोस्तों 2.4 मीटर, ओके कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ओके तो माउंटी रूम की हाइट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर डोर है, तो इस डोर की डायमेंशन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके तो डोर की डायमेंशन ऐड करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर लाइन ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से देखिए मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और लेंथ मैं यहाँ पर 40 ले रहा हूँ, एंटर कर दूंगा। अब दोस्तों स्नैप पॉइंट मैं ले रहा हूँ स्टार्ट, यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा। अब दोस्तों राइट क्लिक करूँगा और लीडर ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, फिर दोस्तों मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, एंटर कर दूंगा। अब मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। ओके अब दोस्तों ये डिस्टेंस कितना है मैं चेक कर लेता हूँ, तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये डिस्टेंस है दोस्तों 115 सेंटीमीटर। तो देखिए फिर से देखिए मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं ले लूँगा 115 सेंटीमीटर और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा इस तरीके से। ओके अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से जाऊंगा और यहाँ से देखिए मैं हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर देखिए मैं स्नैप लेके क्लिक करूँगा। अब दोस्तों फिर से देखिए मैं लीडर को सिलेक्ट कर लूँगा, इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा, रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, फिर दोस्तों यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। ओके तो दोस्तों फिर से देखिए मैं यहाँ से वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और हाइट चेक कर लेता हूँ, हाइट है दोस्तों 210 सेंटीमीटर, तो इसको मैं ऐड करूंगा, तो टेक्स्ट पे जाऊंगा 210 सेंटीमीटर और ओके कर दूंगा और इसको देखिए यहाँ पर मुझको प्लेस करना है, बट देखिए यहाँ पर प्लेस शॉर्टेज हो रहा है, तो इसके लिए देखिए फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा
और यहाँ पर देखिए एंगल मैं ले लेता हूँ 90 और ओके कर दूंगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर आसानी से इसको प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर एनोटेशन डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो बाथरूम की पोर्शन था, इस बाथरूम की पोर्शन की जो डोर है इसका डायमेंशन मैं ऐड कर देता हूँ सेम तरीके से। तो राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से देखिए वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूंगा। अब दोस्तों मैं राइट क्लिक करूंगा और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे स्नैप लेके मैं क्लिक करूंगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं राइट क्लिक करूंगा और लीडर को सिलेक्ट कर लूंगा। सेम तरीके से देखिए यहाँ पर मैं रिस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब दोस्तों मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा। तो पहले मैं इसका लेंथ चेक कर लेता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 99.82, मतलब मान लीजिए 100 सेंटीमीटर की। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं ले रहा हूँ 100 सेंटीमीटर, ओके कर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से देखिए एंगल मैं ले लेता हूँ 0, ओके करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल ऑप्शन ऑन है, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ओके, और दोस्तों यहाँ पर जो डोर की हाइट है 210 सेंटीमीटर, इसका भी है 210 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस है 115 सेंटीमीटर। तो फिर से देखिए मैं यहाँ से वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा, इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा। अब दोस्तों मैं लीडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल, इंटरफेस करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंटरफेस करूँगा। अब दोस्तों मैं फिर से टेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, 115 सेंटीमीटर, ओके कर दूंगा और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। इसका हाइट भी है दोस्तों 210 सेंटीमीटर। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप आरसीसी स्लैब देख पा रहे हैं ये भी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब। तो इसके लिए देखिए मैं फिर से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं लीडर को सिलेक्ट कर लूंगा, सेम प्रोसेस रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंटर। अब दोस्तों मैं टेक्स्ट डालूँगा 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब, ओके कर दूँगा और इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो विंडो की हाइट है तो ये भी आप शो कर सकते हैं, तो मैं शो करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं फिर से सिलेक्ट कर लूँगा हॉरिजॉन्टल और स्नैप पॉइंट मैं ले लेता हूँ एंड। ओके, और यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा, तो इसके लिए देखिए मैं रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा। अब फ्रेंड्स मैं फिर से देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लूँगा, इस बार मैं लेंथ ले लूँगा 20 और यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा और इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, लीडर ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा, रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंटरफेस करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इंटरफेस करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी सेम तरीके से मैं लूँगा स्नैप, रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, इंटरप्रेस करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंटरप्रेस करूँगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मुझको टेक्स्ट डालना है, पहले मैं इसका हाइट चेक कर लेता हूँ। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ से वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और इसका हाइट मैं मेजर कर लेता हूँ, यह है दोस्तों 104 सेंटीमीटर और यह है दोस्तों 120 सेंटीमीटर। ओके, तो टेक्स्ट मैं ऐड कर देता हूँ 104
सेंटीमीटर, यहाँ पे एंगल मैं ले लेता हूँ 90 डिग्री, ओके कर दूंगा। और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इसको। टेक्स्ट पे जाऊंगा और इसको मैं ले लेता हूँ 7 और ओके कर दूंगा। और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब दोस्तों फिर से देखिए मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं ले लूँगा 120 सेंटीमीटर, ओके कर दूंगा। और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एनोटेशन ऐड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप बीम देख सकते हैं, यह है दोस्तों 20 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर की बीम, तो यहाँ पर भी हम लोग एनोटेशन ऐड करेंगे। तो इस जगह पे मैं एनोटेशन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर फिर से देखिए मैं लीडर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब दोस्तों मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर देखिए हाइट मैं ले रहा हूँ 9 और टेक्स्ट मैं ऐड कर रहा हूँ बीम 20 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। अब दोस्तों देखिए इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, ओके। तो बीम की जो डायमेंशन है यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप चाजा देख सकते हैं, इस चाजा की डायमेंशन हम लोग ऐड कर लेंगे। तो पहले देखिए मैं हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पर मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों देखिए इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इस ब्लू पॉइंट के ऊपर क्लिक करके देखिए मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ से देखिए मैं ले रहा हूँ सेंटीमीटर और ओके कर दूंगा। और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं ये दोस्तों 45 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ से फिर से मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, तो इसका हाइट आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ओके। और अब दोस्तों मैं इस 5 को यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा, सेंटीमीटर और एंगल मैं ले लेता हूँ 90, ओके कर दूँगा। और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक हाइट है, तो फिर से देखिए मैं वर्टिकल ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पर आप हाइट देख सकते हैं, ये है दोस्तों 15 सेंटीमीटर की, ओके। तो 15 है, फिर से टेक्स्ट पे जाऊँगा, सेंटीमीटर और इसको देखिए यहाँ पर इसके साथ ऐड कर दूँगा, ओके। तो चाजा की जो पोर्शन देख सकते हैं ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो इसके लिए देखिए मैं राइट क्लिक करूँगा, वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है दोस्तों 330 सेंटीमीटर, मतलब यह है दोस्तों 3.3 मीटर। अब दोस्तों देखिए मैं राइट क्लिक करूँगा, लीडर को सिलेक्ट कर लूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, फिर दोस्तों रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब दोस्तों इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर मुझको टेक्स्ट ऐड करना है, फिर से देखिए टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ से देखिए मैं ले लेता हूँ 3.3 मीटर और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री रहने दे और यहाँ पर देखिए मैं रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल को ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, ओके। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो स्लैब है ये भी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर थिक स्लैब, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों जो स्टेयर की पोर्शन है, स्टेयर की पोर्शन पे देखिए यहाँ पर मैं डायमेंशन ऐड करके आपको दिखाता हूँ, ओके। अब दोस्तों इसके लिए यहाँ से राइट क्लिक करके मैं हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा,
इस पॉइंट पे स्नैप लेकर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ से लीडर को सिलेक्ट कर लूँगा, रिस्ट्रिक्ट वर्टिकल इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, इंटरफेस करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंटरफेस करूँगा। ओके अब दोस्तों टेक्स्ट मैं ऐड करूँगा, इसके पहले मैं इसका हाइट मेजर कर लेता हूँ, वर्टिकल हाइट यह है दोस्तों 60 सेंटीमीटर। तो टेक्स्ट पे जाऊँगा और मैं ले लेता हूँ 60 सेंटीमीटर। ओके रेस्ट्रिक्ट वर्टिकल को मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ओके अब दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर से मैं हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर, इसको मैं ऐड करूँगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है सिलेक्ट रिलेटिव जीरो पोजिशन, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं रिलेटिव जीरो ले लूँगा। ओके अब दोस्तों मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से देखिए मैं कर दूँगा रिस्ट्रिक्ट वर्टिकल और इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा। ओके अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम होगा। अब दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं लीडर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा और रिस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंटरफेस करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इंटरफेस कर दूँगा। ओके तो ये डिस्टेंस है 1.2 मीटर की, टेक्स्ट मैं ऐड कर देता हूँ 1.2 मीटर और यहाँ पर देखिए एंगल मैं रखूँगा 0। ओके और रिस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को ऑफ कर देता हूँ और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ओके अब फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेड एंड राइजर है तो यहाँ पर एनोटेशन मुझको ऐड करना है तो यहाँ पर एनोटेशन ऐड करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए राइट क्लिक करूँगा, लीडर ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर दोस्तों देखिए रिस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड है तो ट्रेड की जो लेंथ हम लोगों ने लिया है ये कितना है मैं यहाँ पर से आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो हर एक ट्रेड की लेंथ है 26.11 सेंटीमीटर। तो मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट 26.11 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए मैं ऐड कर दूँगा। ओके अब दोस्तों फिर से देखिए यहाँ से लीडर ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, रिस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल, इंटरफेस करूँगा। तो दोस्तों राइजर जो है इसको मैं चेक कर लेता हूँ, राइजर है दोस्तों 17 सेंटीमीटर की तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 17 सेंटीमीटर। ओके और यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐड करूँगा। ओके अब दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टेप्स कितना है, स्टेप्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब एक फ्लाइट पे 9 स्टेप है, दो फ्लाइट पे आपका 18 स्टेप्स है। तो दोस्तों मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा स्टेप 18 नंबर्स। और यहाँ पर देखिए मैं ओके कर दूँगा और इसको देखिए यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा। ओके और यहाँ पर देखिए मैं ट्रेड लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं राइजर ऐड कर देता हूँ, ट्रेड। ओके और इसको देखिए मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, फिर दोस्तों यहाँ पर है राइजर, और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ओके अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो स्लैब है ये देखिए ड्रॉप हुआ है
तो यहाँ पर भी मुझको एनोटेशन ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, लेंथ मैं ले लूँगा 40 और स्नैप पॉइंट मैं ले लेता हूँ स्टार्ट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, अब दोस्तों देखिए यहाँ से राइट क्लिक करके मैं लीडर को सिलेक्ट कर लूँगा, इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा, इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। फिर दोस्तों इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा, इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पे मैं पहले मेजर कर लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर की। तो टेक्स्ट पे जाऊँगा, 60 सेंटीमीटर, ओके कर दूँगा और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर आप जो स्लैब देख सकते हैं मिड लैंडिंग, इसका डेप्थ कितना है ये भी मुझको दिखाना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके देखिए मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और देखिए ये है दोस्तों 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं ऐड कर देता हूँ, राइट क्लिक करूँगा लीडर, यहाँ पे देखिए मैं ले लूँगा और रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंटर। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ 10 सेंटीमीटर, यह दोस्तों 10 सेंटीमीटर थिक यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेस्ट स्लैब है ये भी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर थिक, तो यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ उसको। तो राइट क्लिक करूँगा लीडर और यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंटर। अब दोस्तों मैं फिर से टेक्स्ट पे जाऊंगा 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ की जो एनोटेशन है ये भी हम लोगों ने ऐड कर दिया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मामटी रूम के ऊपर जो आरसीसी स्लैब है यहाँ पर कितना एक्सटेंड हुआ है ये भी आपको शो करना है। तो इसके लिए देखिए राइट क्लिक करूँगा, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखिए स्नैप लेके क्लिक करूँगा, इस पॉइंट पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा। तो ये है दोस्तों 15 सेंटीमीटर की, तो 15 को देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा और यहाँ पर से मैं सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ओके, और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ओके, तो ये है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा सा इस तरफ मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लगभग सारा डायमेंशन ऐड कर लिया है और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कोई डीपीसी लेयर अभी तक नहीं बनाया है डैम प्रूफ कोर्स। तो इसके लिए देखिए फिर से मैं एलिवेशन पे जाऊँगा और यहाँ पर देखिए मैं ऑफसेट ले लूँगा, ऑफसेट डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों मैं ले लूँगा ट्रिम, एंटर करूँगा और इसको देखिए मैं ट्रिम कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर थिक डीपीसी। तो यहाँ पर आप हैच भी ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए मैं कट टाइप करूँगा, CUT कट, एंटर और यहाँ पर कट लूँगा, यहाँ पर कट लूँगा, यहाँ पे कट लूँगा और यहाँ पे कट लूँगा। ओके, अब दोस्तों मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से देखिए क्रिएट पॉलीलाइन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखिए हैच के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ले लूँगा सॉलिड फिल और ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी लेयर। ओके, तो यहाँ पर मैं एनोटेशन भी ऐड कर देता हूँ, तो राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए लीडर और यहाँ से देखिए मैं डायमेंशन लेयर पे चला जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्लिक करूँगा और एंटर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर थिक DPC, ओके कर दूंगा और इस टेक्स्ट को देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ओके,
बट देखिए यहाँ पर देखिए इसके ऊपर आपका क्रॉस हो रहा है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट में फिर से जाऊँगा और यहाँ पर देखिए मैं एंगल 90 डिग्री ले लेता हूँ और इसको देखिए मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। और यहाँ पर देखिए रिस्ट्रिक्ट जो हॉरिजॉन्टल है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर थिक डीपीसी। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने डायमेंशन ऐड कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल है और जो प्लिंथ लेवल है इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। तो इसके लिए देखिए मैं सेट रिलेटिव जीरो ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, अब दोस्तों मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल, तो इसको मैं ऑन रखा हूँ। ओके, और दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। फिर दोस्तों देखिए मैं यहाँ से सेट रिलेटिव जीरो को सिलेक्ट करूँगा, रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को ऑफ कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को ऑन करूँगा और राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा हॉरिजॉन्टल। ओके, और यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। अब दोस्तों देखिए ये है ग्राउंड लेवल और ये है दोस्तों प्लिंथ लेवल। ओके, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को मैं ऑन रखूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ से देखिए मैं टेक्स्ट ले लूँगा पी एल और एंगल मैं रखूँगा 0, हाइट है 7। ओके कर दूँगा और यहाँ पर देखिए रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल ऑप्शन ऑन है और यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर दूँगा। ये है दोस्तों प्लिंथ लेवल। अब दोस्तों देखिए यहाँ से रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को ऑफ करूँगा, सेट रिलेटिव जीरो ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे स्नैप लेके क्लिक करूँगा, तो ये है दोस्तों रिलेटिव जीरो। अब दोस्तों फिर से देखिए मैं रेस्ट्रिक्ट हॉरिजॉन्टल को ऑन कर लूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए मैं ले लूँगा जी एल, यहाँ पर भी हाइट है 7, एंगल है 0। ओके कर दूँगा और इसको देखिए मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ओके, तो ये है दोस्तों ग्राउंड लेवल और ये है दोस्तों प्लिंथ लेवल। तो जितना भी एनोटेशन है हम लोगों ने ऐड कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ सेक्शन, तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन आपको दिखा रहा है, ये है दोस्तों एक्स और ये है दोस्तों वाई, तो सेक्शन एक्स वाई यहाँ पर होगा, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर देखिए मैं हाइट थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 12 ले रहा हूँ और आप इसे भी ज़्यादा ले सकते हैं, 14 ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ सेक्शन एक्स वाई और यहाँ पर देखिए बीच में देखिए मैं हाइफ़न दे देता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों सेक्शन एक्स वाई। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने सीखा किसी बिल्डिंग की सेक्शनल एलिवेशन हम लोग किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसमें हैच डाल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एनोटेशन डाल सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो सीरीज पसंद आया है। अगर दोस्तों वीडियो सीरीज पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।